Hi guys, it's me Adit Kundra from Adit Guitar Lessons. A very very happy Republic Day to you. Jai Hind. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलरली पोस्ट कर रहा हूँ, हर दिन एक वीडियो डालता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा था 10 सॉन्ग्स ऑन पेट्रियॉटिज्म पे, जिसका आइडिया ये था कि मैं 10 गाने लूँगा, सब जो आपने रिकमेंड किए, एंड उन सब के गिटार कवर्स एंड गिटार लेसन्स बनाऊंगा ताकि आप अपने स्कूल्स कॉलेजेस में अगर परफॉर्म करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हमारा फाइनल डे है, आज हम अपना फाइनल सॉन्ग करेंगे एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सॉन्ग. बट बिफोर वी गेट इनटू दिस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई हैव अ फेसबुक पेज जिसका नाम है आदित्य गिटार लेसन्स, एंड आई एम ऑल्सो देयर ऑन इंस्टाग्राम आदित्य कुंद्रा, एंड आई हैव अ वेबसाइट एज वेल aditsguitarlessons.com, जिसमें मैं अपने वेब टैब्स कॉर्ड्स लिरिक्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ. तो अगर आपने ये तीनों चीज़ें नहीं देखी हैं तो जो लिंक होंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे और ऊपर स्क्रीन पे भी होंगे, तो प्लीज़ आई बी रियली ग्रेटफुल इफ यू कैन एक्चुअली फॉलो मी देयर एंड वो वेबसाइट भी चेकआउट कर लीजिएगा. ओके, सो आज जो हम सॉन्ग करेंगे, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सॉन्ग, क्योंकि इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मैंने ये गाना अभी ऑनेस्टली आधा घंटे पहले सुना है. इस गाने का नाम है मेरा देश की धर्म, एंड इट्स बाई सलीम सुलेमान. मैं पिछले 3 घंटे से, लिटरली 3 घंटे से, मैं सिर्फ दिमाग लगा रहा था कि मैं कौन सा गाना करूँगा. मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज देवर जो काफ़ी पॉपुलर गाने थे मैं काफ़ी कर चुका था उनमें से, और जो बचे थे गाने वेरी नाइस सॉन्ग्स, बहुत ही पॉपुलर गाने हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि मैं करता, मेरे को बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिलते, बट मेरे को उन सब में वो फीलिंग नहीं आई जो मेरे को इस सॉन्ग में आई. ये जो सॉन्ग है ना, ये मेरे को चैतन्य शुक्ला ने, मैं आई जस्ट रेड हिज कॉमेंट. चैतन्य, थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई ऑलरेडी थैंक्ड यू ऑन यूट्यूब एज वेल, लेकिन मतलब कमेंट्स में. लेकिन जब मैंने गाना देखा सलीम सुलेमान का है, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि मैंने जितना भी देखा है सलीम सुलेमान सीम टू बी म्यूज़िक कंपोजर्स जो म्यूज़िक थ्योरी समझते हैं एंड कुछ अलग काम करते हैं. मैंने हमेशा देखा है कि उनके म्यूज़िक में कुछ ना कुछ अलग होता ही है. तो जब मैंने गाना देखा ना, तो मेरे को थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट हुई. फिर जब मैंने गाना सुना, ओहो, तो उसमें एक पार्ट आया, जब मैंने वो सुना तो आई कुडंट स्टॉप स्माइलिंग. मतलब इतना अमेजिंग पार्ट है, तो वो हम उस पार्ट की बात भी करेंगे. बट इनक्रेडिबल सॉन्ग, एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ 650,000 व्यूज़ हैं, विच इज़ सो सैड कि एक साल पहले इन्होंने पोस्ट किया था और अभी इतने कम व्यूज़ हुए हैं. मतलब इट्स रियली सैड. बट एनी वेज, आई रियली होप कि आपको भी गाना अच्छा लगे. अगर नहीं अच्छा लगता, अगर आपको मेरा कवर अच्छा नहीं भी लगता है, तो प्लीज़ डू लिसन टू द ओरिजिनल सॉन्ग, बिकॉज ओरिजिनल सॉन्ग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है. तो एनी वेज, सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द लेसन. तो इस सॉन्ग में बेसिकली मैं 3 चीज़ों की बात करूँगा. पहली चीज़ तो इसमें स्ट्रमिंग जो है, सेकंड चीज़ थोड़ा सा मैं फिंगर पिकिंग की बात करूँगा, एंड फाइनली वो थर्ड चीज़ जो मेरे को बहुत ही पसंद आई इस गाने की. ठीक है, तो पहली चीज़ जो है, पहले चलो फिंगर पिकिंग की बात करते हैं. तो इसमें क्या है कि जब वर्स बजता है तो मैं फिंगर पिकिंग करता हूँ. अगर आपने फिंगर पिकिंग नहीं आती है तो मैंने उस पर बहुत लेसन बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आपको दिख जाएंगे, या मेरे चैनल में फिंगर पिकिंग सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत वीडियोज़ दिख जाएंगे. तो बेसिकली फिंगर पिकिंग पैटर्न पर मत जाइए. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कॉर्ड होगी उस कॉर्ड का बेस नोट पहले बजा दो. तो मान लीजिए आपने ए बजाना है, तो ए का बेस नोट 5th string पे होता है, तो आपने उसको अपने थंब से प्ले करना है. फिर आप कोई भी स्ट्रिंग को कैसे मर्जी पैटर्न में किसी भी ऑर्डर में प्ले कर लीजिए, इट विल साउंड नाइस. ठीक है, तो ये बस मेरा थंब रूल, हमेशा याद रखिए, थंब रूल बोले तो ये थंब रूल नहीं, वैसा थंब रूल कि कोई भी कॉर्ड है आपने अगर फिंगर पिकिंग करनी है, स्टार्ट विद द बेस नोट, एंड देन उसके बाद कोई भी उसकी जो आर्पेजियोस हैं, कुछ भी किसी भी ऑर्डर में कोई भी स्ट्रिंग को बजा दो. तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने 4 कॉर्ड्स पे 4 अलग अलग पैटर्न्स कर दिए. तो आप कुछ भी कर लीजिए, डज नॉट मैटर, सिर्फ उस कॉर्ड का रूट नोट जो है उस पर अपना बेस, जहाँ पे कॉर्ड चेंज होती है वहाँ पे उसका बेस नोट बजा दीजिए, रूट नोट, एंड फिर कुछ भी उंगली से कुछ भी बजा दीजिए. ठीक है, उस कॉर्ड पे ऑलवेज रिमेंबर दैट बट फिंगर पिकिंग. ओके, अब हम आते हैं सेकंड चीज़ में, जो कि है इसकी स्ट्रमिंग. अब स्ट्रमिंग इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है, और वो क्यों ट्रिकी है और कैसे ट्रिकी है आपको मैं दिखाता हूँ. मैं जो इसमें स्ट्रमिंग प्ले करता हूँ, मैं करता हूँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन. अब क्या है कि हमारे को बेसिकली आदत होती है स्ट्रमिंग पैटर्न छोटा सा उसको रिपीट करते रहें. हमारे को बेसिकली ये रिपीटेशन पसंद होता है. ठीक है, छोटा पैटर्न हो जिसको हम रिपीट करते रहें ताकि हमारे राइट हैंड को ज़्यादा सोचना ना पड़े बेसिकली. ठीक है, एक चीज़ बजाते रहें, तो ये हमारे को चाहिए होता है. इसलिए मैंने इसको डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन कर दिया. तो छोटा सा पैटर्न है जो बार बार आप बजा सकते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये डाउन डाउन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, बिकॉज आपके हैंड की मूवमेंट जो है वो चेंज हो रही है,
इट्स नॉट अ वेरी कंसिस्टेंट मूवमेंट, जबकि स्ट्रमिंग में कंसिस्टेंट होना चाहिए, तब इसकी स्ट्रमिंग क्या होगी, वो ये होगी. अब यहाँ बोलेंगे ये क्या स्ट्रमिंग है, ये तो मैं 16 नोट बजा रहा हूँ, बस डन 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 डाउन अप डाउन कर रहा हूँ, डाउन अप डाउन अप ही कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे मैं जो एक्सेंट्स कर रहा हूँ वो अलग अलग जा रहे हैं. इन द सेंस अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊँ तो शुरू में मैंने स्टार्ट किया डाउन से, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो मेरा पैटर्न होगा वो अप से स्टार्ट होगा, तो सारे उल्टे, जो डाउन अप था वो सारा अप डाउन हो जाएगा, थर्ड टाइम फिर से डाउन अप हो जाएगा, फिर अप डाउन हो जाएगा. तो ध्यान से सुनिए जरा, यहाँ पे पैटर्न खत्म हुआ, अब नेक्स्ट शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, अब नेक्स्ट शुरू हुआ. पहला पैटर्न हमारा डाउन पे स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पैटर्न हमारा अप पे स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पैटर्न हमारा डाउन पे स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ पैटर्न हमारा अप पे स्टार्ट हो रहा है. या आप कह सकते हैं कि पहला पैटर्न जो है वो लंबा सा एक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप टा 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 टा, तो लंबा पैटर्न हो गया ताकि रिपीट हो रहा है. बट वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लोगों को कन्फ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोटा पैटर्न कर देता हूँ जो कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं बजा रहा हूँ. आपको समझ में आ गई बात है, अगर नहीं समझ में आए तो इसी बात को रिपीट करके ध्यान से सुनना, स्लो करके सुनना थोड़ा वीडियो को, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अब हम आते हैं अपने मेरे फेवरेट पार्ट में, जो कि है पॉइंट नंबर 3, जो कि है इसमें जो कॉर्ड्स थे. एंड सलीम सुलेमान, दीज गाइज आर अमेजिंग. अगर मेरे को मिल गए तो मैं सबसे पहले उनके हाथ पकड़ूंगा, आई जस्ट थैंक देम फॉर मेकिंग सच अमेजिंग म्यूजिक. तो ये गाना जो है ई मेजर स्केल पे है, ऑब्वियसली अगर वो चाहते तो वो डायटोनिक कॉर्ड्स यूज़ कर सकते थे, ई मेजर, सी शार्प माइनर, ए मेजर, बी मेजर, सी शार्प माइनर, डी शार्प डिमिनिश्ड एंड फाइनली ई मेजर. तो बट सलीम सुलेमान, आई एम वेरी श्योर, अंडरस्टैंड म्यूजिक थ्योरी, दे नो म्यूजिक थ्योरी एंड दे एडमायर म्यूजिक थ्योरी. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड उन्होंने बहुत ही अमेजिंग कॉर्ड्स डाले इसमें, अमेजिंग कॉर्ड्स बोले तो डिफरेंट कॉर्ड्स डाले जिनसे फ्लेवर ही चेंज हो गया. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसका. ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, इसमें जो छोटा सा सॉन्ग है इसमें पार्ट आता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो चेंज करके बोलते हैं सी मेजर नोट डाले. जब मैंने सी मेजर सुनी ना, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड स्माइलिंग, एकदम एक कान से लेके दूसरे कान तक जो स्माइल होती है ना, वैसे की, क्योंकि ये जो बॉर्ड कॉर्ड्स होती है ना, ये आप जब सुनते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इट्स डिफरेंट, एंड अगर आप इन्जॉय करते हैं तो यू रियली लाइक इट. फिर से सुनिए, ठीक है, पहली चीज़ तो ये अलग, फिर से कर दे रहा हूँ ए के बाद जी मेजर, गाना कैसे है, बट आई एम श्योर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलूं. अमेजिंग स्टफ मैन, अमेजिंग स्टफ. फिर से सुनते हैं, मैं यही बार फिर से करता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा. चैतन्य शुक्ला जी, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस अमेजिंग सॉन्ग टू मी. एंड आप सब प्लीज़ ये गाना ज़रूर देखिएगा, ओरिजिनल गाना भी देखना, यू विल रियली लाइक इट. अच्छा, एक चीज़ और, इसमें मैं एक जगह पे एक 7 भी यूज़ करता हूँ, सी शार्प माइनर 7. वो कैसे बजानी है, सी माइनर पकड़िए, सॉरी सी शार्प माइनर पकड़िए और अपनी लिटिल फिंगर उठा दो. एंड आई थिंक मैं बी माइनर 7 भी यूज़ करता हूँ, बी माइनर लीजिए, अपनी लिटिल फिंगर उठा दो. आप
आपको ये लेसन अच्छा लगा है एंड आई अगर आपको कवर भी अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव द वीडियो थम्स अप। एंड मैं 10 गाने कर चुका हूँ, 10 सॉन्ग्स ऑन पेट्रियॉज में, एक्चुअली 11 गाने हो गए हैं क्योंकि एक मैंने पहले ए वतन राजी मूवी का भी किया था वो मैंने डाल दिया, 11 सॉन्ग्स ऑन पेट्रियॉज हो चुके हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप आपको प्ले लिस्ट जो है अच्छी लगे हुए एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द कवर प्लीज़ गिव द वीडियो थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड चेक आउट माई फेसबुक पेज, माई वेबसाइट एंड माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आई विल बी सीइंग यू गाइस वेरी वेरी सून। कल तो नहीं, अब बहुत दिनों से रेगुलरली पोस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लूँगा मैं, बट आई होप आपको प्ले लिस्ट अच्छी लगे एंड या आई विल सी यू गाइस वेरी सून। टेक केयर गाइस, दिस इज आदित्य कुंद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, पीस आउट एंड जय हिंद। Oh,